ये देखो जी इतना कूड़ा यहाँ डाल दिया है हुड्डा सरकार ने। हमारे साथ ऑटो मार्केट के प्रधान जय सिंह पाली जी कई सालों से लगातार प्रधान बनते आए हैं और हर साल विश्वकर्मा डे यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता आकर यहाँ वादा करते हैं इनके साथ, और ये वादे का ये प्रतिफल हम को नज़र आ रहा है कि दुकानदार और मिस्त्री भाई यहाँ बैठे। आइए इनसे जानते हैं कि आप इतने वायदे देकर मिस्त्री भाइयों को धंधे में बैठना पड़ रहा है, क्या वजह? ये जो मुख्यमंत्री हैं, अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उससे पहले हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी कमज़ोर थे और अब जो खट्टर साहब है वो भी कमज़ोर है। इतने खट्टर साहब हंसी में आए 2015 को, ये कह गए थे मैं 16 तक आपकी मार्केट तैयार हो जाएगी, और ये अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते। हमने या दो बार कैप्टन अभिमन्यु को भी बुलाया, उनका स्वागत भी किया, अब आखिर में कैप्टन साहब हाथ जोड़ गए, भाई ये मेरे अधिकारी हैं, बिल्कुल काम नहीं करते। अधिकारी चाहे वो यहाँ के हैं, जितनी बार भी आप जाके देखो कितना 5-5 फुट यहाँ अड़ंगा शहर का अड़ंगा डाल दिया। SDM से मिलते रहे, एडमिनिस्ट्रेटर से मिलते रहे, स्टेट ऑफिसर से मिलते रहे, बोले तो हमारा काम है। अब वो कूड़ा कम से कम कई लाख रुपए में नहीं उठ सकता, जो मेन कूड़े के लिए हम यहाँ बैठ, पहले इसकी सफाई करो। एडमिनिस्ट्रेटर मैंने कहा था पहले आप इसकी सफाई करवाओ, उसके बाद इनके पैसे जमा कराओ। बोले आप कौन होते हो? मजी सो तो मैं प्रधान दे तो नहीं मंदा मेरा के कौन? उसकी एक गलती से आज हमें आप ऊपर बैठना धरने बैठना पड़ गया। और ये एक ही आदमी अगर यहाँ काम करके गया चौधरी बदललाल ने तो इसको अलाट किया था, बाकी जितने बीच में नेता आए वो तो बस कई नेता ऐसे जो हमारे उन पर भी नहीं आए, धरनों पर भी नहीं आए, और जो आए तो उसका कुछ नहीं हल निकला। और हमने सम्मान करने में पार्टीबाजी के यहाँ कोई बात नहीं, चाहे कांग्रेस के आए चाहे BJP के आए, और जो छोटे जैसे हमारे जैसे नेता भी आए उन्होंने भी हमने शाल उठा के सम्मान करके। आपने बताया था आपने फेरा था हमारी यह समस्या है और ये नेता आकर पूरा मान सम्मान करवा के चली जाऊँ, नेता क्यों बुलाओ? ऐसा है हमारी मार्केट के बीच में लोग ये कहते थे फला उसको बुला ले तो हमारा काम हो गया, उसको बुलाओगे तो हमने चाहे प्रोफेसर छत्रपाल था चाहे कैप्टन अभिमन्यु था मुख्यमंत्री जी का हम उतने 150 मोटरसाइकिलों से स्वागत किया जींद बाईपास से वहाँ लेके आए। कोई ये विरोध थोड़ा कि हम खट्टर साहब का विरोध करेंगे, हम तो अपना खट्टर साहब के पास गए थे कि हमारी मार्केट कैसे बुलवा दें। 4 जगह हम खट्टर साहब से मिल भी बिहानी हम मिले, बड़ी ठीक बात करी, हिसार मिले दो बार अलग मिली खट्टर साहब के, देखो तैयार हो जाएगी। अधिकारी बिल्कुल इनकी परवाह नहीं करते, पता नहीं अधिकारी इनकी मानते नहीं या इन नेताओं की नहीं। चलो अभी तो मैंने मिस्त्री भाइयों से बात की, अभी मैं एक प्रधान से बात कर रहा हूँ। अब खट्टर साहब आने में 2 दिन बाकी, ठीक है, आपका कूड़ा उठा नहीं है, अधिकारी आपको झूठे आश्वासन देंगे, निशानदेही आपकी अभी जब तक ये इतना आधार होता निशानदेही नहीं होता, 4 तारीख को आपका क्या एक्शन? 4 तारीख को तो हम विरोध प्रदर्शन यहाँ करेंगे, और कोई हमने कोई ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑटो मार्केट यहाँ बताइए। हमने 3 तारीख को तो हमने जो हमारे मिस्त्री भाई कहे गए 3 तारीख को हम बाजार बंद रखो, हमारी दुकानें बंद रखें, अच्छा ऑटो मार्केट की जितनी दुकानें हैं 3 और 4 को हम बंद रखें। हर कोई ज़बरदस्ती उठाएगा तो दिखी जाएगी ज़बरदस्ती, क्योंकि आज एक अधिकारी गया है कि हम उनको उठाएंगे, अरे हमने उठाया, हमने कोई गलती कौन सी कर रखी है? हमने 18-20 करोड़ रुपए जमा करा रखे हैं, तब भी उठाएंगे तो उठा देते, हमारी दुकान भी उठा लें। आपको यहाँ थ्रेटनिंग देने आए या कोई आपको आश्वासन देने आए? हमारे पास आश्वासन के लिए यहाँ राजेश ठकरा रहा था कि मेरी मुख्यमंत्री से बात होगी,
उसके बाद अगले दिन भाई विनोद राजेश ठकराल बीजेपी का एक नुमाइंदा, अपने आप को नुमाइंदा कहता है, वैसे कई साल से बीजेपी में है। और उसके अगले दिन भाई विनोद गाना आए, और विनोद गाना तो पहले भी आते रहे हैं, वो ना उस भैणा साहब की उसने हुड्डा साहब ने मानी। हम ये कहा कि विनोद भैणा गया ही नहीं, विनोद भैणा ने दफ्तर में खूब चक्कर लगाई, फिर प्रशासक सुनते नहीं। यहाँ तक की भी बात है कि एक दिन मैं भैणा साहब के साथ था, एक अधिकारी भी बोला बोला दोबारा नहीं आना मेरे पास। यानी आपका कहना है कि तीन योजना में, अगर अगर थोड़ी बात थी तो यहाँ चुटाला साहब आए, कम से कम ये रोड़े तो बुनवा गए, पत्थर लगा गए, इनने तो यहाँ डली तक भी नहीं लगवाई, बल्कि अड़ंगा उड़ंगा। इनके प्रसाद, इनके जो भी एस डी एम स्टेट ऑफिसर, हम जाते रहे वहाँ दफ्तरों में कि जवाड़ कूड़ा डल रहा है शहर का, बोले तो हमारा काम है ये, आज हमारा काम का ये निशान है, आप उसकी फोटो उतार के साथ ले जाओ, आज क्या हालात हो मार्केट। और ये मिस्त्रियों ने 20 करोड़ रुपए आज अपनी जेब से, और ये एक दिन लेट हो गई, उस लेट में इनको कई मिस्त्रियों को तो 51,000 रुपये फाइन लग गया एक दिन का, और 93 आदमी हमारे ऐसे हैं जिनको 12,500 रुपये लग गए। हमारे पैसे का जो टाइम इनका, वो टाइम भी कंडीशन भी निकल गई कि हम आपको तीन सब एक बात हो, सब बराबर यहाँ कूड़ा डल रहा था तो मिस्त्री भाई तो यही कहते हैं, हम गए अधिकारियों के पास, नहीं ये मेरा काम नहीं है, यहाँ नगर परिषद का वही हाल है, कूड़ा तो सारा नगर परिषद का है, कूड़ा कोई बाहर से थोड़ा है। यहाँ तो हाँसी में हालात ही, मतलब पहले जो बदतर 10 साल पहले वाले बदतर थे, उनसे भी इन 5 साल में और बदतर है। रोज ही धरना, रोज ही जुलूस होते रहते हैं। हमको ये नहीं कोई विरोध है, वो मेहता साहब वाली बात है, कोई है तो हम सरकार के साथ, फिर काम मतलब सरकार कुछ नहीं करती। मेरे साथ सर्व व्यापार मंडल के प्रधान बैठे बजरंग जी, ये बराबर सहयोग देते हैं भी किसी मिस्त्री भाई या व्यापारी, तो बताइए आपका सर्व व्यापार मंडल क्या कहते हैं? हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं इनको, जो ये मान करेगा इनके साथ है, इनकी मांग न्याय संगत, बिल्कुल न्याय संगत है, पैसा लेकर के किसी को उसके बदले में जो चीज़ देनी चाहिए वो देनी चाहिए। दुकानों के पैसे ले रखे हैं तो पैसा दिए, दुकानें देना चाहिए। 4 तारीख को कोई एक्शन प्लान होगा उस पर, ऑटो मार्केट के साथ हैं। ये थे दो प्रधान, एक तो सर्व व्यापार मंडल के, एक ऑटो मार्केट के, जैसे पाली बहुत समझदार व स्वच्छ छवि के जैसे पाली जी, जो मिस्त्री भाइयों के साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि 3 योजना बिल्कुल ढीले मुख्यमंत्री आए, ये सब बहुत नज़दीक रहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, लेकिन उनको भी इन्होंने ढीला बताया, और वर्तमान मुख्यमंत्री को भी ढीला बता रहे हैं, क्योंकि उनके प्रशासन पे ब्यूरोक्रेसी पे कोई पकड़ नहीं है, जिसका खामियाजा इन मिस्त्री भाइयों का भुगतना % जमा करवाने के बाद, 17 करोड़ रुपया जमा करवाने के बाद आज ये बैठे। मेरे साथ है राजीव शर्मा जी, जो महासचिव है अपने सर्व व्यापार मंडल के। मैं सर में उनसे पूछते हैं कि इस तरह की समस्याएं आती हैं व्यापारियों के साथ, इसमें कहाँ किसकी कमी है, क्या हमारे संगठन की कमी है या कहीं ब्यूरोक्रेट्स की या सरकार की? संगठन और दुकानदार वही है, एक मत है, मगर सरकारी तंत्र है जो इनको बरकला कर झूठे आश्वासन देकर चला जाता है। जब यहाँ पर इतने समय से इनका पैसा भरवाया गया है, उस पैसे भरवाने के दौरान अब इसी ताजी घटनाक्रम, जब ये धरने पर बैठे हुए थे हुड्डा के 3 कर्मचारी अधिकारी, मिस्टर जीएस गरेवाल और मिस्टर भूपेंद्र सिंह एक्सियन, और साथ में मिस्टर एक एसडीओ साहब आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद इन बेचारे सबसे बड़े दुकानदार मिस्त्री को, क्योंकि प्रतिनिधि प्रधान है, ये सिर्फ एक आवाज़ के केंद्र बिंदु है, मगर सभी ने कहा प्रधान जी को कि हम लोग है ना इनकी बात मान लेते हैं, 1-2 दिन हम लेकिन टेंट नहीं उखाड़ेंगे। यहाँ पर राजेश ठकराल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं, पुराने हैं, उन्होंने आकर कहा था, इन्होंने ये उठाकर यहाँ पर कुर्सियाँ लगा ली थी, कहते हैं सुबह उसी समय भी उनकी गाड़ी व्यवस्था आई थी यहाँ पर। कहने वाले हमने भी कहा था कहीं आकर आप घुंगलों से मिट्टी उतारने का काम तो करने नहीं आए, या सीएम साहब का कार्यक्रम है उसके लिए आप आए हो। शॉर्ट में यही है कि इनकी मांग जायज है, और सीएम साहब के पास भी ये सारी रिपोर्ट है, इनकी मांग का समर्थन करते हुए इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करवाएं, और इनका जो जहाँ पर ढेर लगा हुआ है गंदगी का
उसको उठाकर कहीं भी आप इन जगह पर फेंकवाएं और इनके जो अलाटमेंट है अलाटमेंट इनकी अलाटमेंट की जाए ताकि ये अपनी जगह पर आकर अपनी दुकानें बनाए। धन्यवाद शर्मा जी, हमारा तो बस इतना ही कहना है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, जाने गुलिस्ता क्या होगा, पर वादे गुलिस्ता करने को बस सरकारी महकमे का शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है जिस शाख पे तुम बैठे हो। आज ये सरकार को रो रहे हैं, सरकार का रोना रो रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है और वो शोहरत की बुलंदी पे बैठी है। लेकिन सरकारें किन से बनती हैं, लोकतंत्र किस से बनता है, आम जनता से बनता है। जनता जनार्दन अगर नाराज हुई तो सरकार दोबारा नहीं बन सकती, नेता दोबारा नहीं बन सकता। इसलिए हम आवाज़ करते हैं, आपकी आवाज़ बनकर इस मीडिया पर कहते हैं कि इन मिस्त्री भाइयों की जो भी न्याय संगत मांग है जल्द से जल्द पूरी करें ताकि उनको कोई एक्शन ना लेना। धन्यवाद, मैं राजीव बंसल फिर मिलता हूँ एक नई कार्यक्रम के साथ, जुड़े रहिएगा हाथ की आवाज़ चलने के साथ। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ चैनल से। 8 दिन से ऑटो मार्केट के मिस्त्री धरने पर बैठे हैं और धरने पर क्यों बैठे हैं कि ये 25 साल से अपनी दुकान की अलॉटमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को हमने 17 करोड़ रुपया, अधिकारियों को महकमे को 17 करोड़ रुपया हम भर चुके हैं। 509 दुकानदार हैं जो मिस्त्री दिहाड़ी कमा कर अपना मजदूरी कमा कर गुजारा करते हैं और ब्याज पर पैसा हमने उठा कर इनकी 12-12 हज़ार रुपये ब्याज भी इनको चुकाया है, लेकिन आज तक निशानदेही करके हमारी दुकान नहीं लौट रही। बराबर ये धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, आज तक इनकी बात को कभी भी अधिकारियों के कानों में जू नहीं रहेंगी और सरकार ने भी इनका कोई संज्ञान नहीं लिया। आइए जानते हैं कि भी 8 दिन से लगातार आप धरने पर बैठे हैं तो आपका अंतिम एक्शन प्लान क्या होगा, क्या आप इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे या कोई और एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री जी भी 4 तारीख को हाँसी में पदार्पण करने जा रहे हैं, आइए। क्या नाम है आपका? दशरथ मलिक। दशरथ मलिक, आपका नाम बहुत सुना है। 3-4 तारीख को जो हमने मार्केट बंद करी है, बाकी 3 को देखा कोई सुनाई नहीं होती तो 4 तारीख को मुख्यमंत्री आए। फिर बताइए कितनी समस्या है। आज हमने 25% पेमेंट पर रखी इसकी। जी जी जी, कौन बता ना, 1.5 साल हो गया जी। जी हमारे पास तो इसकी कोई सफाई हुई, एन को निशान दी, कई बार हमें उड्डा महकमा चले गए और उनको जवाब दे दिया, कुछ नहीं सुनाई हो रही हमारी। अब हमने 3-4 तारीख को हड़ताल की है सारी मार्केट और 4 को 3 को हड़ताल करने के बाद 4 को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हमारी सुनाई होगी तो ठीक है, नहीं फिर हम मीटिंग लेंगे 3 को शाम ने, उसके बारे में आगे क्या करना, हमने बहिष्कार करा है या क्या करा है मुख्यमंत्री जी का। अधिकारी भी आए थे यहाँ, अधिकारी आए थे जी हमारे को झूठा शासन देके ना चले गए। 2-4 डंपर लाए उनने, 8-10 चक्कर गेड़ने के बाद आगे एन प्रशासन वाले आए, कुछ भी नहीं। भाई दावे कूड़ा उठ जाता है, दुकान अलॉट नहीं होती फिर क्या है ना। फिर ठीक है जी, हम अपने दुकान से ही अलॉट होगी, कूड़ा उठने के बाद हमारी निशानदेही दे दूंगी। हाँ ठीक है जी, फिर क्या कहते हैं, कूड़ा नहीं उठाएंगे वो हमारे पास जगह ही नहीं गेड़ने के लिए। अच्छा कूड़े की, अच्छा मेन प्रॉब्लम कूड़ा है या निशानदेही है? कूड़ा भी पहले, कूड़ा फिर निशानदेही जी। कूड़ा उठ गया तो निशानदेही मिल जाएगी, अगर कूड़ा नहीं उठा हमारे को कोई निशानदेही नहीं मिल रही है। नहीं अधिकारी क्या कहते हैं कि भी कूड़ा उठा के निशानदेही करवा लो। हाँ जी हाँ जी, कूड़ा उठा आप उठाओगे जी, हम नहीं उठाए। अब आपकी दुकानें अलॉट होने जा रही हैं? हो रही है अलॉट तो हो रही है, हमारे को निशान देना रह गया, पोजीशन लेटर देना रह गया जी बस। अच्छा, हाँ ये कूड़ा उठ जाए और हमारे निशानदेही दे दे, बस यही काम है। अच्छा, और हम ही एक दिन लेट हो गए थे जी, हमारा तो 12,000 रुपये जुर्माना लग गया, छोटा छोटी दुकान वाला गए और बड़ी दुकान वाला 51,000 रुपये एक एक दिन का जुर्माना भर चुके हम। हमारी कोई सुनाई नहीं, इतने लेट हो गए, आप एक दिन लेट हो जाए तो इतना जुर्माना। बलवीर पेंटर, आप लगातार हाथ उठाते हो, हम आपके फोटो लगाते हैं, बताइए आप। सर हम तो ये उड्डा वाले इतने परेशान हैं जिसका मैं तो बयान नहीं कर सकता, इतने झूठे, इतने निकम्मे, इतने आलसी, इनकी कोई जवान नहीं है। इस बात करके आते हैं तो कहते हैं हमें कोई धक्के थोड़ा ही दे रखे हैं, हमने तो इन्हें इतना परेशान कर रखा है। अब ईओ साहब से बात हुई, बोला हम 8 डंपर लगा देंगे, 2 JCB लगा देंगे। अगले दिन वही 2 डंपर 2 JCB आई और एक भरे, 1 JCB एक भरिया डंपर और बंद काम। बोले SDM साहब ने रोक दिया। ये आपकी जगह पे कूड़ा डाल दिया नगर परिषद ने। हाँ,
और उड्डा उठवा नहीं रहा है। हाँ, उड्डा उड्डा की भी तो जिम्मेवारी है कि भी अगले यानी जगह पे क्यों तो सारी जिम्मेवारी उड्डा की है। पैसे तुम्हारे से उड्डा ने ले रखी है, उड्डा ने हमें दुकान दे रखी है, जिम्मेवारी तो उड्डा की है। हमने तो कोई डाला को नहीं, नगर परिषद ने डंगा डाला है। नहीं, आपको दुकान नंबर अलॉट हो गया, सबको अलॉट हो गया, निशान दे करके कब्जा बाली। हाँ, कब्जा चाहिए, कब्जा चाहिए। पच्चीस परसेंट राशि उनके कहने के आधार पर जो लेटर में उनने दे रखा है भाई 25% राशि भरने के बाद आपको निशानदेही दी जाएगी, आपको अलाटमेंट लेटर दिया जाएगा और आप अपनी दुकान बना सकते हैं। देखिए बड़ी विचित्र सी कहानी है यहाँ। 25% डेढ़ साल पहले ये जुर्माना सहित भर भी चुके हैं सभी दुकानदार, और इनकी जगह पर कूड़ा डाल दिया गया है, और वो महज कूड़ा उठाने की वजह से निशानदेही नहीं हो रही है। देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है, कितना बड़ा यानी कि प्रशासन का फला है ये कि कूड़ा डाल दिया गया जहाँ ज़मीनें इनको दुकानें अलॉट होनी है, और कूड़ा उठाने की चेष्टा कोई नहीं कर रहा, और ये बराबर 9 दिन हो गए काम छोड़ कर यहां बैठे हैं सभी दुकानदार। ये मिस्त्री भाई हैं, ये बड़े कोई ऐसा ऑटो मार्केट का बड़ा शोरूम वाले नहीं हैं, सब ताज़ा कमाने वाले हैं और ताज़ा खाने वाले मिस्त्री भाई हैं जिन्होंने यानी कि अपनी पेट काट काट कर ये दुकानें अलॉट करवाई, लेकिन महज एक कूड़े की वजह से इनको निशानदेही नहीं मिल रही। ये एक बहुत बड़ी मौकरी है प्रशासन की, बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का फला है। और ये कहते हैं कि हुड्डा डिपार्टमेंट भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा, अधिकारी आए मात्र औपचारिकताएँ करके गए। इनका कहना है कि 4 तारीख तक अगर नहीं हुआ तो आप अपना रखेंगे। मुख्यमंत्री जी भी आएंगे यहाँ, इसीलिए बैठे हैं जी हम। ठीक से 3 को शाम में मीटिंग करते हैं, उसका बहिष्कार कराया या क्या करा हमने उसके बारे में 3 को शाम को बताएंगे। उसको काले झंडे दिखावाया क्या दिखावाए पर हमने 3 लग देखा। और उड्डा तो जी हमें शुरू से मार रहा है जो ये हमारे अनाउंसमेंट भी भरी आपने नहीं जो अलाटमेंट करे नहीं जी, और स्टेम इनको क्या करा 47,000 रुपये तो दे दी, लेकिन फ्रंट तो इनको आपको रख लिया, हमारे को पीछे पीछे दे दी। हमने उसके बाद मेरा पटिया ये दुकान तो सारी पीछे आ गई, नक्शा दिया ने बाद में वहाँ भी धोखा, फिर भी हमने सोचा कोई नहीं बाहर बैठे 10% भरने भर दी हमने, मेरा पैसे वापस नहीं मिलेंगे, माचल कोई बात नहीं 15 इनने फिर भरवा ली जी, यहाँ भी धोखा। लेकिन 15% उस टाइम भरवाना था जिनने ये रोड सीवर कूड़ा निशानदेही, हाँ पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी, हाँ उस टाइम भरवाना, लेकिन पहले भरवा लेंगे जी। अरे एक जन को हमारे साथ धोखा किया है। ये थे सभी ऑटो मार्केट के मिस्त्री भाई जो दुकानदार हैं जिनको दुकानें अलॉट होनी है, मात्र निशानदेही की वजह से इनको दुकान नहीं अलॉट हो रही। और वो निशानदेही क्यों नहीं हो रही, इन्होंने खुद ही बताया कि यहाँ कूड़ा डंप कर दिया गया है पूरे शहर का खाली जगह। ये नगर परिषद की एक बहुत बड़ी एक हम क्या कहें कि भी ये एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र कहें क्या कहें, जहाँ भी खाली जगह मिलती है वहीं डंप कर देते हैं, जहाँ और कचरा जगह जगह कचरा पॉइंट बनाया हुआ है शहर को। ये तो हम खुद कह रहे हैं इस बात के लिए कि कहीं भी जगह खाली मिले वहीं कचरा डाला, और इन्होंने यहाँ जगह खाली मिली मिस्त्री भाइयों की दुकानों को तो यहाँ भी कचरा पॉइंट बना दिया। तो मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से, मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह हम समस्याओं को उठाते रहेंगे, और जैसे ये मिस्त्री भाई हैं और इन्हीं जैसे कई ऐसी समस्याओं को हमारा उठाना दायित्व है। लेकिन आपसे एक वादा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हांसी की आवाज़ आपका प्रिय चैनल है, जुड़े रहिएगा इसके साथ। ये समस्या हम अधिकारियों तक पहुँचाएंगे, उनके कानों पर जो रेंगती या ना रेंगती है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम ये समस्या ऊपर तक पहुँचाएँ। लेकिन आपका प्रिय चैनल हांसी की आवाज़ से आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।